प्रत्येक वेळी आपल्याला हवं ते मिळतच असं नाही पण जिद्दीने हवं ते मिळवण्यासाठी जे लढतात जे झुंजतात ते खरे लढवय्ये या वाक्याची आठवण येण्याचं कारण म्हणजे पुण्यात दाखल झालेली काश्मीरी मुलींची क्रिकेट टीम असिम फाउंडेशन आणि विक्टर फोर्स तर्फे आयोजित पुणे आणि काश्मीर क्रिकेट सामन्यासाठी काश्मीर मधल्या अनंतनाग जिल्ह्यातल्या मुलींचा संघ नुकताच पुण्यात दाखल झाला मुलांसाठी क्रिकेटमध्ये रेड कार्पेट टाकलं जात असताना इथल्या मुली ज्या निर्धाराने सराव करतात ते बघण्यासारखं आहे यांची कॅप्टन आहे रुबिया सईद फक्त क्रिकेट खेळत नाही तर ती इतरांना शिकवतेही टीम तयार करते आणि त्यांना घेऊन जाते बाहेरच्या राज्यात खेळण्यासाठी तिथलं जग दाखवण्यासाठी और मेल्स में क्या फ़र्क रहती है ओबली मैम फ़र्क रहती है जैसे कि उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स गर्ल्स को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी मिलती है बट ऐसा है कि मतलब स्पोर्ट्स कोई जेंडर नहीं दिखता है ना होना चाहिए ये सब तो दैट्स वाई कि वहाँ पर गर्ल्स को थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं नहीं गर्ल्स है चलो ईजी लेते हैं बट ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे कि बॉयज़ हैं वहाँ पर बॉयज़ तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं हम भी क्रिकेट बट उतना हमारे लिए कुछ नहीं करते वहाँ पे चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे कुछ भी है बट जो भी हम सिखाते हैं या मेरे पास अभी तीस चालीस बच्चे हैं जैसे कि दो तीन टीम्स हैं मेरे पास हम उनको ख़ुद सिखाते हैं मेरे साथ एक फ्रेंड है जो सीनियर्स के लिए है फैंसी है महक है रौनक जहान है मतलब ये काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स हैं इनके साथ या हमारे कोच साहब है रशीद साहब तो इनके साथ मिल हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको सिखा रहे जितनी भी नॉलेज हमारे पास है तो हम इनको प्रोवाइड करते हैं कल जो क्रिकेट है वो मेरे लिए सब कुछ है यू नो लाइक मैं क्रिकेट के लिए ही जीती हूँ एंड क्रिकेट इज़ माई लाइफ एंड uh, बात करें तो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ बॉयज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स तो बॉयज़ अगर हैं वो कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बट गर्ल्स uh, का थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस होता है सो दैट्स वाई वो कहीं जा नहीं पाते तो उनके लिए अगर वहाँ पर कुछ इंडोर वनडोर खोला जाए जहाँ पर वो साल भर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर में विंटर्स होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अजूनही काश्मीरकडे एका वेगळ्या नजरेने बघितलं जातं तिथे राहणाऱ्या नागरिकांचं आयुष्य सुरक्षित आहे का इथपासून ते तिथे मुलींना किती स्वातंत्र्य आहे सा सवाल सुधा विचारला जाता या मुलिन ने यह प्रश्न से अगति मोकड़ेपणा उत्तर दिया मतलब सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो मीडिया का रहता है किसी भी आप स्टेट में जाओ आप जब तक वहाँ पे आपको मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहे एक आम इंसान की जो लाइफ है कश्मीर में आप एक बार खुद भी आइए लोगों को विजिट कराए वहाँ पे कितना मजा है वहाँ पे माहौल कितना अच्छा है बाकी वो चलता रहता है बॉर्डर एरियाज पे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बट लाइक आप ट्रूली कश्मीरी एक देखो जो नॉर्मल इंसान है, वो कितना मतलब खुश मिजाज है अच्छे से प्यार करते हैं आप टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे कितने अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं उनको और सबसे बड़ी बात है मैम हमारी जो कंट्री है इस टाइम जो कहीं दिन ब दिन रेप केसेस वगैरह जो भी आते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जे के उसमें नंबर वन है जहाँ पे कोई ऐसा क्राइम नहीं होता है टूरिस्ट आते हैं वो सेफली होते हैं ऐसा ये डर जो है ना ये बाहर निकाल दो आप मैम एक बार मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कश्मीर विजिट कीजिए फिर आप देखिए वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ पर लोग कितने अच्छे हैं इसलिए में भी आ, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी रीजंस के लिए ही रोकते हैं उनको जाने के लिए कहीं पे बट अगर आपकी लड़कियों में टैलेंट है देन आप उसको शो करो एंड पेरेंट्स विल एलो देम व्हाई नॉट कश्मीर आई एम ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर वी ऑल आर फ्रॉम कश्मीर एंड हमारे पेरेंट्स हमें पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए या आई वी आर सेवन सिस्टर्स एंड उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है तो बहुत करते हैं शेवटी खेळाडू हा खेळाडू असतो निवड होत असताना तो कुठल्या परिस्थितीतून आला कोणत्या सुविधा मिळाल्या प्रशिक्षण मिळालं की नाही या सगळ्याला काहीच अर्थ नसतो पण जर सगळ्यांना किमान समान प्रशिक्षण आणि सुविधा मिळाल्या तर या काश्मीरच्या मुली सुद्धा मैदान गाजवतील शंका नहीं प्रतिनिधि नेहा सराफ लोकमत